नांदरबलिया उज़्मा के रूबरू आज रिटायर मुलाज़मीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात से मुतालिक एक एहतजाज मुनज़्जम किया, जिसमें इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि जून 2019 तक के 6 माह के महंगाई अलाउंस के बकायाजात फौरी अदा किए जाए। हुकूमत के जारी करदा हुक्म के मुताबिक माहाना पेंशन 10 दिनों के अंदर अदा की जाए। वह मुख्तलिफ मुतालबात इन एहतजाजियों ने मीडिया के रूबरू बयान की। दस महीने हो गए प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं दे रहे, फिर उसके बाद छुट्टियों के पैसे नहीं दे रहे। शासन के जीआर के अनुसार, शासन के जीआर के अनुसार 30 महीने अपना 3 महीने के अंदर देना चाहिए, ऐसा नगर सचिव का कहना है, नगर सचिव का वहां पे से आदेश है। नहीं तो उसके बाद कोर्ट में कमिश्नर के नाम से दावा दायर के वो 18% के हिसाब से बैंक के बैंक थ्रो 18% के हिसाब से कोर्ट में से डिसीजन लेके इनके ऊपर केस करके इनके से प्रोविडेंट फंड के पैसे और छुट्टियों के पैसे दे सकते। लेकिन आज इन्हों प्रोविडेंट फंड के जो कर्मचारी रिटायर हो गए, 8-8 10-10 महीने हो रहे, 7 साल हो रहा, 2-2 साल हो रहे, छुट्टियों के पैसे नहीं, इसके पैसे नहीं, क्या हमारे लिए अच्छी नहीं? क्या हमने क्या करे? हमने 40 साल सेवा करे यहाँ पे, आज हमारी हालत ऐसी है कि घरों में बरोबर ये नहीं है, बच्चों को कहीं पे नौकरियां नहीं है, और इन्हों अपने अपना ये देख रहे। आज यहाँ पे एक से एक ऑफिसर बन रहे, जिसकी एक एक की वैल्यूएशन निकालेंगे, जो ऑफिस पहले 100 बंदे 100 है, आज उसका वैल्यूएशन 30-30 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं एसी पीसी पूरा ये मार्बल गिरना लगा के, जो ऑफिस अच्छा है अच्छे कंडीशन में उसको दोबारा निर्माण कर रहे। लेकिन काम नहीं मांगी क्या अभी? अभी मेरी आप अगर समझो महंगाई भत्ता और ये नहीं मिला तो हम भीख मांगे आंदोलन 11 तारीख से यहाँ पे पूरे जितना नांदेड़ जिले में नांदेड़ में जितने पुतले हैं वहाँ पे हम सब जने बैठ के भीख मांग के कमिश्नर को लाके देंगे और सेवानिवृत्त कर्मचारी के किसका देने का ये देव हमारे तरफ से। हमने आज तक कितनी भीख मांगी है पूरे नांदेड़ में से, और नगर पालिके मध्ये आम्ही सेवानिवृत्त कर्मचारी 12:30 जवळपास, परंतु आम्हाला जे आमचे वेळेवर 10 तारखेला त्यांनी लेखी लिहून दिलेला आहे, पण 10 तारखेला पगार सुद्धा करत नाही। 20 तारखेला आमचे जे पैसे येतात ते गुत्तेदाराला इकडे तिकडे वाटतात पण आम्हाला देत नाही। खरं म्हणजे हे आयुक्त जे आहेत नगर विकास विभागाकडून नेमणूक झालेली आहे, तरी हे यांना गेल्या 2 वर्ष झाले नांदेड महानगरपालिकेत, त्यांना महानगरपालिका लोकायन करणार प्रत्येक गोष्टीची जाणीव आहे। सेवानिवृत्त कर्मचारी 12:30 असल्यामुळे दुपास 500 कर्मचारी पलंगावर पडून आहेत, वेगवेगळ्या आजारानं हे ते त्यांना जे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभ वगैरे द्यायचे ते बिलकुल दिला जात नाही। आता 6 महिने गेल्या 2 वर्षापासून महागाई भत्ता 6 महिन्याची थकबाकी त्यांनी अजून दिली नाही। 11% महागाई भत्त्याचा आदेश काढला त्यांनी, आदेश काढला पण तोंडी सांगून त्यांनी 2019 ला महागाई भत्ता 11% पगार आहे शेरेकर म्हणून आदेश काढला, पण तोंडी सांगून दादागिरी करून आयुक्तांना जे आहे आमचे रोखण्यात येईल। पण शेवटी त्यांनी 7 वेतनायोग सुद्धा टप्प्याटप्प्यानं लागू केला, पेन्शनर लोकांना पहिल्यांदा लागू करायला पाहिजे पण त्यांनी शेवटी लागू केला। पुढची भूमिका काय? आता नगर विकास विभागाचे असे आदेश आहेत, सेवानिवृत्त कर्मचारी जे आहेत त्यांचे जे काही लाभ आहेत ते त्यांना ताबडतोब द्यावा, परंतु हे काही दिला जात नाही। आता आमचा पगार सुद्धा 10 तारखेला करत नाही, 11% महागाई भत्ता त्यांनी पगार स्वीकार केला नाही, 6 महिन्याची थकबाकी दिली नाही, पुन्हा कर्मचाऱ्याचे रजेचे 4 कोटी रुपये द्यायचे 100 कर्मचारी अजून दिले नाही, कर्मचाऱ्याचे पेन्शन विक्रीचे 4 कोटी रुपये अजून दिले नाही, अशी अनेक मागणी आहेत कर्मचाऱ्याच्या, हे बरोबर का वेळेवर काहीच हे करत नाही। आता सध्या काय यांनी काय करायला पदाधिकाऱ्याला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगायला त्यांना असं सांगायला की कर्मचाऱ्याची बाजू तुम्ही घेऊ नका, कारण आता इलेक्शन तोंडावर आलेले आहेत, तुम्हाला तो पैसे द्यायचे असेल कर्मचाऱ्याची बिलकुल शिफारस करू नका तुम्ही, फक्त तुम्ही आपलं पहा, म्हणून कोणते पदाधिकारी तुमच्या आमच्याकडून बोलायला तयार नाही, ही अशी आमची एक लोकांतिका आहे।